नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज 30 जनवरी 2022 की शाम, यूं कहूं 31 जनवरी की पूर्व संध्या। अब आप कहेंगे साहब 31 जनवरी ऐसा क्या है? साहब मेरी लाइफ के लिए और सीकर के लिए दिन बहुत खास है। आज के ठीक 26 साल पहले 31 जनवरी 1996 को मैंने एक सीएलसी रूपी बीज बोया। सीएलसी जिसका हेड ऑफिस सीकर है, आईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन कराने वाला एक संस्थान जो शिक्षा सुरक्षा संस्कार के साथ सफलता देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज 31 जनवरी की पूर्व संध्या पर मैं कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। बहुत लंबा टाइम होता साहब, 26 साल आज मुझे पूरे होने जा रहे हैं। मैं जब खुद 26 साल का था उस समय मैंने संस्था स्टार्ट की, आज मैं खुद 50 प्लस पे आ गया। पूरे जीवन का एक 26 साल का पड़ाव मैंने पार किया है, जिसमें कुछ खट्टे मीठे, अच्छे कम अच्छे सारे अनुभव देखने को मिले। सबसे पहले तो जो साथी इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा थोड़ा सीएलसी के बारे में। सीएलसी आईटी मेडिकल प्रिपरेशन करवाता है, अपने खुद के स्कूल हैं आरपीसी सीबीएसई। और इसी सेशन में 8 मार्च 2022 से हम लोग अपनों की डिमांड पर एनडीए नेवी एयरफोर्स का एक सेपरेट विंग भी लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों पिछले 26 साल में लगभग 1,00,000 विद्यार्थियों ने विश्वास किया हम पे, जिनमें से करीब 12,000 से 13,000 के बीच बेटे बेटियां मेडिकल आईटी एनआईटी में गए। उससे बड़ी उपलब्धि मानता हूं उन हजारों हजारों बेटे बेटियों की जो किसी कारणवश हो सकता है उस समय मेडिकल आईटी एनआईटी में सेलेक्ट ना हो पाए हों, लेकिन सीएलसी की मेहनत करने की जो कला सिखाई गई, सीएलसी का जो वर्क कल्चर है, सीएलसी का जो डिसिप्लिन है, सीएलसी की जो फैमिली बॉन्डिंग है, उन सब की बदौलत आज वो हजारों हजारों बेटे बेटियां या तो गवर्नमेंट जॉब में है जिसमें टीचर से लेकर आईएएस तक है, या अपना खुद का बहुत अच्छा रन करते हैं बिजनेस। और मुझे कहते हैं बहुत खुशी होती है जब 20 प्लस बेटे बेटियां आज यूएसए में बहुत बड़े सेटल है, उनके फोन आते हैं बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे, सीएलसी के बर्थडे पे, तो फिर लगता है हाँ कुछ किया है 26 साल में। फिर एक बात आती है, आप कहेंगे साहब आपके यहाँ कब एडमिशन होते हैं, किस तरह आप लोग पढ़ाते हो, तो वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहूँगा। मैं रिजल्ट्स की बात तो आप सीएलसी परिवार डॉट इन मेरी वेबसाइट है, वहाँ जाके देखोगे तो डिटेल आपको मिल जाएगी। वहाँ गार्जियन आप लोग अब अपने सीएलसी के साथ अपने बेटे बेटी को प्री प्राइमरी से हमारे साथ जोड़ सकते हैं। माना बच्चा उसे बहुत छोटा हो तो आप 6 से तो जोड़ दें हमारे साथ, प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी स्कूल तक। हमारा सीबीएसई का बीआर स्कूल के नाम पे एक बहुत अच्छा सेटअप हम लोग रन करने जा रहे हैं। 6 के बाद केवीएम के नाम पे राजस्थान बोर्ड, बीआर के नाम पे सीबीएसई बोर्ड विथ प्री फाउंडेशन हम लोग रन करते हैं। आफ्टर 10th तो कहने की बात ही नहीं है, 11th 12th फाउंडेशन अपने आप में आजकल जग जाहिर है। और मैं 2021 की बात करूँ तो मेरा नीट का टॉपर भी 12th के साथ मेरी बेटी चारू यादव है, और जेई का टॉपर भी 12th के साथ संजय पुनिया है। तो ये बहुत सारी बातें आंकड़ों के साथ भी अपने आप में प्रूफ हो जाती हैं। बट कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th गांव से पास करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कुछ करना है, तो 12th के बाद भी आप लोग आ सकते हैं। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, आप किसी भी संस्था में फोन करेंगे, इंक्वायरी करते हैं पढ़ाई कैसे होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, हॉस्टल्स हैं कि नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे सारी बातें कर लेता हूँ। जिस दिन आपका एडमिशन संस्था में होगा, चाहे किसी भी क्लास में हो, आपको एक पूरा प्रोग्राम पूरी साल का प्रिंटेड प्रोग्राम दिया जाएगा, शेड्यूल जिसको बोलते हैं। और ये इस घर के मुखिया के नाते मेरा आपसे एक कमिटमेंट है, आपसे बिल्कुल मेरा कॉमर्शियली वादा है कि जो कागज में छाप के दे दिया वो 100% इम्प्लीमेंट होता है। सीएलसी केवल 6 घंटे पढ़ा के छोड़ने का नाम नहीं है साहब, हम राउंड द क्लॉक
24 घंटे 365 दिन राउंड दी क्लॉक राउंड दी कैलेंडर काम करते हैं। इसी की देन है कि जो बच्चा सफल होता है उसमें से ऑलमोस्ट 60-70% बच्चा हमारे हॉस्टल्स का होता है। हमारे हॉस्टल से मेरा मतलब है वो हॉस्टल जो CLC के आसपास हमारे साथी चलाते हैं, वो PG हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, किराए के फ्लैट हो सकते हैं, हॉस्टल्स हो सकते हैं, वो सब हमारे अपने ही हैं। हमारे अपने से मतलब है वो सब लोग अपनत्व के भाव में केयर करते हैं CLC के बच्चों की। आप देश दुनिया में जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट सेशन 2022-23 के एडमिशन के लिए आप हमसे 31 जनवरी यानी आज ये वीडियो डिस्प्ले 31 जनवरी 2022 को हो रहा है, इसके बाद कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर से कहता हूँ, किसके लिए? नीट के लिए, JEE के लिए, NDA के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, प्री प्राइमरी टू 12th या आफ्टर 12th, बोथ मीडियम में, खुद का स्टडी मटेरियल, देश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज और एक सक्सेस रेट जो है, मैं कहूँ देश की बड़ी सक्सेस रेट रही है, इस तरह की भाषा में नहीं काम लेना चाहता, लेकिन एक अकल्पनीय सक्सेस रेट दोस्तों, चाहे रात का नाइट कैंप हो, शाम की असेंबली हो, चाहे सुबह का प्रेयर के साथ क्लासेस का स्टार्ट हो, एक 400-500 साथियों का एक समूह है जो सिस्टम के साथ काम कर रहा है। CLC अब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, CLC एक व्यवस्था का नाम है, मैं भी उसका हिस्सा हूं। जैसे एक व्यक्ति पौधा लगाता है तो शुरू में उस पौधे को धूप से छाव से बचाता है, वो पेड़ बन जाता है, वो पेड़ उस व्यक्ति को धूप से छाव से बचाता है। माना कि आज के 26 साल पहले 31 जनवरी 1996 को मैंने पौधा लगाया, इसको मैंने धूप से बचाया, बारिश से बचाया, पर आज ये पेड़ बन गया, मेरे जैसे हजारों हजारों परिवारों को छाया दे रहा है। बातें बहुत की जा सकती हैं। आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, CLC के सक्सेस के वीडियो देखें, clcparivar.net हमारी वेबसाइट उसको देखें, और डेली शाम को 6:30 बजे फेसबुक यूट्यूब लाइव आता उसको सुने। 20 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा तो 25 मार्च को हमने स्टार्ट कर दिया था ये ऑनलाइन लाइव क्लासेज और लाइव सेशन। आज 31 जनवरी को जो लाइव शाम को मैं करूँगा वो मेरा 415 लाइव होगा, 415 दिन से मैं लगातार शाम 6:30 बजे मेरे अपनों से बात कर रहा हूँ। शायद ये किसी व्यक्ति का अपने सिस्टम के प्रति पागलपन का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे पे, मेरे सिस्टम पे, श्रवण CLC पे जो विश्वास आप करोगे मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। साल, दो साल, पांच साल, दस साल आदमी बाई चांस चल सकता है, बाई लक चल सकता है, जोश रह सकता है, लेकिन 26 साल तक जोश तभी रह सकता दोस्तों जब उस चीज को पूजा की हद तक किया जाए, उस सिस्टम को मंदिर की हद तक माना जाए। और मेरे लिए मेरी CLC मंदिर है साहब, जहां मेरे गुरुदेव और मेरे नाथ जी का आशीर्वाद कण कण बसा हुआ है। उसी की देन है कि साहब आज जहां भी जाता हूं, वो चाहे देश का कोई एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे कोई शादी फंक्शन हो, चाहे गांव ढाणी का हो, चाहे महानगर का हो, जय CLC कहने वाले मेरे अपने मिल ही जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से CLC को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता उस व्यक्ति के लिए जो पहली बार सुन रहा देख रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप 2-5 दिन लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ठीक 6:30 बजे CLC सीकर का मेरा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पे आप सुने देखें, आपको ध्यान हो जाएगा। या मेरे बहुत सारे अपनों के वीडियो पढ़े उनको आप देखें दोस्तों, CLC ने एक शहर को पहचान दी है, सीकर को पहचान देने का श्रेय जाता CLC को। माफी चाहता हूं, मैं अपने मुंह मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं CLC की बात कर रहा हूं। CLC ने श्रवण को पहचान दी, CLC ने सीकर को पहचान दी। श्रवण कुछ नहीं है, श्रवण CLC आते ही एक मान सम्मान सा पैदा हो जाता है। CLC ने पहचान दी है और निरंतर वो पहचान बढ़ती जा रही है। आज पूरे उत्तरी भारत में
शिक्षा का हब बनने जा रहा है आपका सीकर, या आपके विश्वास पे और मेरी टीम की उस मेहनत के बलबूते, मेरे वाहेगुरुदेव और नाथ जी के आशीर्वाद के कारण ये बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। मुझे कहते बहुत खुशी होती है, इस साल 2021 की नीट की बात करूं तो मेरे चार बेटे बेटियां एम्स दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हैं, ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट आना बाकी है, डिक्लेयर नहीं हुआ रिजल्ट, क्योंकि मैं जो शूट कर रहा हूँ रिजल्ट तब तक नहीं आया है, बट 100% चार बेटे बेटियां 12वीं के साथ दिल्ली एम्स पहुंच रहे हैं। अभी रिजल्ट आया आज एसटीएससी स्टेट लेवल की टैलेंट सर्च एग्जाम का, जहां 8th क्लास में हरियाणा की बेटी हॉस्टल में आके रहने लग जाती है, आंखें भराती हैं दोस्तों, इतना विश्वास जब देखता हूं मैं गार्जियंस का। बातें बहुत सी की जा सकती हैं डियर, मुझे एक ही बात कहूंगा, सीएलसी के साथ आप जुड़े, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, ये सब हमारे साइट पे आप जाके देख सकते हैं। हाँ, अभी 6 फरवरी 2022 को हम लोग एक स्कॉलरशिप के एग्जाम करवा रहे हैं जिसका नाम है ई कास्ट, तो आप clcecast.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा के 6 फरवरी को आप ई कास्ट का एग्जाम देख के स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बोर्ड के परसेंटेज के बेस पे आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा खुल के कह रहा हूँ वीडियो में, मैं जरूरतमंद प्रतिभाशाली स्टूडेंट के लिए सीएलसी का गेट खुला था, खुला है, खुला रहेगा। ढाणी में बैठी, झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी, गुदड़ी के लाल, मेरे जैसे गाँव के हजारों हजारों बच्चे जो अब भी किसी गाँव में अपने खेत की मुंडेर पे खेत को रुखाड़ते हुए सपने पालते होंगे मेरी तरह कि मुझे कुछ करना है, उनके लिए वरदान है साहब सीएलसी। और इसी थीम पे मैंने साहब 96 में शुरू किया था ये इंस्टीट्यूट, कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना, और आज मुझे कहते बहुत खुशी हो रही है। ये सपना जब मैंने पाला था तब तो हर गांव में सरकारी नौकरियां नहीं थी, जहां मैं डॉक्टर की बात कर रहा था आज हजारों हजारों डॉक्टर हैं। जानवर जैसे गाँव में 11 डॉक्टर बन गए भाई, वो चाहे होपारडी हो चाहे धौलपुर की बाड़ी हो, जब अपनों का साथ और स्नेह मिलता गया। मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मेरे अपने साथ आते गए और कारवा बनता गया, पता नहीं चला कभी श्रवण, श्रवण सीएलसी बन गया, कभी छोटा सा सीकर, सीकर हब बन गया एजुकेशन का, ये सीएलसी है साहब। तो दोस्तों सेशन 2022-23 के लिए आप कहीं भी एडमिशन लें, अपने बेटे बेटी कहीं भी एडमिशन कराए, उसके पहले एक बार आप सीएलसी जरूर आके घूम विजिट करता। मैं किसी चीज को यह कह के भी नहीं थोपना चाहता कि हम ही श्रेष्ठ हैं, ये फैसला आपको करना साहब। श्रेष्ठता के पैमाने क्या है, केवल चंद सिलेक्शन पैमाने नहीं है श्रेष्ठता के, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से 10-12% सिलेक्शन होते हैं साहब, हम भी शामिल हैं, बाकी 85-88% बच्चे सीएलसी से मिस कॉल बन के नहीं जाएंगे। हमारे टाइम हम बोलते थे लिफाफा नहीं बनेंगे बैरिंग, अब आज मिस कॉल बोलेंगे उनको, मिस कॉल नहीं बन के जाएंगे, वो जिंदगी जीना सीख के जाएंगे। सीएलसी जितना सिखाती है सीएलसी जीना सिखाती है। तो आज 31 जनवरी 2022 को सीएलसी के 27वें जन्मदिन पर, 27वें स्थापना दिवस पर, 26 साल पूरे होने पर, आप सबका स्नेह प्यार जो मुझे आज तक मिलता आया है उससे ज़्यादा मिले, इसी उम्मीद इसी विश्वास के साथ मैं आपसे फिर वादा करता हूँ, आपका अपना श्रवण आने वाले हर कल में बीते हुए कल से बेटर काम करेगा, क्योंकि आप जैसे मेरे अपनों की, हजारों मेरे अपनों की उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई हैं, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ, भगवान मुझे शक्ति दे, बड़ों को प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा प्यार, आप सबका स्नेह सहयोग मिलता आया है, मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ आपका अपना श्रवण, नमस्कार, जय सीएलसी।